नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल E2Com में। तो पिछले बार की तरह इस बार भी आदित्य बिरला फाउंडेशन ने अपना स्कॉलरशिप को रिलीज़ कर दिया है, लेकिन इस एप्लीकेशन फॉर्म में, इस स्कॉलरशिप में बहुत सारे कोर्स को ऐड भी किया गया है और बहुत सारे कोर्स को हटाया भी गया हुआ है। तो ये जो है, ये क्लास 9 से लेके UG के स्टूडेंट्स इसको फिल आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है, इसमें कुछ प्रोफेशनल कोर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से है एप्लीकेशन फॉर्म जो स्कॉलरशिप का। तो आदित्य बिरला कैपिटल की ओर से जो है, एक 9 से 12 क्लास के बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो 25 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। और इसमें जो है, उनको फिक्स स्कॉलरशिप जो होता है, वन टाइम एक ही बार आप लोगों को मिलेगा, वो 12,000 रुपया का एक मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाद जो है, ये जनरल ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, जैसे कि एनी ग्रेजुएशन से जो भी होता है, जैसे कि उसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सारे ये दिया गया है। ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जो है, वो BA के लिए है, जनरल ग्रेजुएशन के फॉर्म में लोग सारे भरेंगे। उसके बाद फिर जो है, BA है, BCom है, BCom ट्रैवल एंड टूरिस्ट में अगर कोई कर रहे हैं तो उसके लिए है, BEd के लिए है, BSc के लिए है, BA जो ट्रैवल टूरिस्ट मैनेजमेंट, BA BCom, ये दोनों अलग अलग है, इसको आपको ध्यान में रख के भरना है। साथ ही साथ जो है, कोई लैंग्वेज में भी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है, वो कोर्स के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म यानी ये स्कॉलरशिप को रिलीज़ किया गया है। तो आप इसमें सारा जो है वो देख सकते हैं, कौन कौन सा जो है एप्लीकेशन फॉर्म इजिलेबल है बच्चे स्कॉलरशिप के लिए, वो सब। ये आपको जो दिख रहा है प्रोफेशनल ग्रेजुएशन के लिए है, ये प्रोफेशनल के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं अभी उसको दिखाता हूँ। ये टोटल BSc नर्सिंग वगैरह इसमें सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। तो ये था हमारा ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए था। ये आप जनरल ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी जो है, आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा 18,000 का। और उसके बाद फिर जो है, एक प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल 3 ईयर 4 ईयर कोर्स दोनों अलग अलग है। आप इसमें क्लिक करके जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 ईयर 4 ईयर, ये जितने भी 4 ईयर कोर्स आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहे हैं, ये सब सारे 4 ईयर कोर्स ये फॉर्म को इस तरफ से नहीं भरेंगे। उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया है, उसमें आपको भरना है। जितने 3 ईयर कोर्स है, ये सब जो देखिए 3 ईयर्स यहाँ पे दिख रहा है, ये सब जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी यहाँ पे आप लोग भरेंगे, ये प्रोफेशनल 3 ईयर कोर्स में जो 24-25 का है। और जो 4 ईयर कोर्स है, वो यहाँ पे आके भरेंगे, इस जगह पे आके 4 ईयर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स लग रहा है। तो इसमें कम से कम मिनिमम जो है, वो आपका लास्ट ईयर में जो है, वो 60% जो है, वो प्रीवियस क्लास में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। और इसमें एनुअल इनकम जो है आपका फैमिली का, वो शुड बी नॉट एक्सेंड 6 लाख से जो है, वो अधिक नहीं होना चाहिए। ऑल सोर्स यानी आपका, अगर मम्मी पापा दो और भाई वगैरह कोई भी अगर काम कर रहा हो, सबका इनकम ऑल ओवर जो है, वो इनकम को मिला के 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो है, वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट इंडिया का होना चाहिए। आदित्य बिरला ये जो है स्कॉलरशिप आपको बड़ी फॉर स्टडी एम्प्लॉय, अगर वो जो है एम्प्लॉय मतलब बड़ी फॉर स्टडी के कोई अगर एम्प्लॉयर है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जनरल लोग भर सकते हैं। और प्रोफेशनल जो है, वो गिवन टू गर्ल्स स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस दिया जाएगा जितने भी गर्ल्स हैं उन लोगों का, यानी अगर फीमेल्स कैंडिडेट है तो उन लोगों को एक अलग प्रेफरेंस मिलेगा, कि उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहेगा कि उन लोगों को ये पैसा मिले। और इसका बेनिफिट जो है, वन टाइम फिक्स स्कॉलरशिप जो है, वो 60,000 रुपीज़ का है, 60,000 रुपया मिलेगा, एक ही टाइम मिलेगा। बहुत सारे स्कॉलरशिप में आपको पर मंथ मिलता है, ये पर मंथ वाला स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक ही बार मिलेगा 60,000 रुपया। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है, वो है आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, ठीक है, एप्लीकेशन जो एप्लीसेंट है जो फॉर्म को फिल करेंगे उसका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, उसका प्रीवियस ईयर मार्कशीट चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स जो होना चाहिए एक आइडेंटी प्रूफ के लिए। और उसके बाद फिर करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ, कि आप एडमिशन लिए हो जिस ये पे, वो आपका वो रिसीव होना चाहिए आपके पास, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड होना चाहिए, या तो फिर एडमिशन लेटर होना चाहिए, या तो फी रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ एप्लीसेंट्स और पेरेंट्स, अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है, इनकम प्रूफ आपको एक चाहिए, पंचायत वार्ड, ठीक है, या तो फिर जो है SDM, CO वगैरह, तहसील CO जो है, या फिर तहसीलदार जो है, और सैलरी स्लिप जो होना चाहिए वो आपका एम्प्लॉय का होना चाहिए, जिससे जो है वो पता चल पाए कि हाँ आपका एनुअल इनकम जो है वो इतना ही है। उसके बाद फिर जो है, आप उसको कैसे फिलअप कीजिएगा, तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करके आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसको जैसे जो जो चीज़ों को रिक्वायरमेंट होगी, आप वहाँ से जो है वो सारी चीज़ों को आप फुलफिल कीजिए। फिल करने के बाद फिर जो है वो उसको सबमिट कर दीजिए, आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिर उसमें देखा जाएगा। और अगर हो सकता है, ऐसे वेरीफिकेशन वगैरह के लिए कोई भी ये नहीं है कि आपको टेली वेरीफिकेशन वगैरह होगा और आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ ये नहीं है, बस शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और सब कुछ डिटेल्स अगर उनका सही मिला तो सही मिलने पे जो है आप लोगों को ये स्कॉलरशिप आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा।
तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ समय लगेगा, उसमें ये करके आप इसको सबमिट कर दीजिए, स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।